हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम आपके लिए जो है 13th गुरु नीति लेकर के आए हैं, ठीक है। और आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के जो है ऑलमोस्ट सभी टॉपिक के क्वेश्चंस जो है एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरा नाम है हेमंत अग्रवाल और मेरे साथ है प्रमोद ढाका सर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ कोन ऑफ रेडियस आर एंड हाइट कैपिटल एच इज हैंगिंग इनसाइड अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। द फोर्स ड्यू टू द लिक्विड एक्टिंग ऑन द स्लैंट सरफेस ऑफ द कोन इज नेगलिक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो मैं ये बताना है कि इस लिक्विड के अंदर है ना ये कोन है और इस कोन के स्लैंट सरफेस पर जो फोर्स लग रहा है ना लिक्विड के कारण ये कितना होगा। एक छोटी सी बात आप समझिए, है ना, क्या क्वेश्चन में ये बताया है कि कोन कौन से मटेरियल का बना हुआ है? नहीं बताया है, ठीक है। कहने का मतलब है कि कोन का मटेरियल क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि ये कोन जो है ना ये कोन भी वाटर का ही है, है ना। ये लिक्विड अगर रो डेंसिटी का है तो कोन जिस मटीरियल का बना हुआ है उसकी भी डेंसिटी रो है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये कोन अपनी जगह पर इक्विलिब्रियम में रह सकता है इवन इफ ये रस्सी में कोई टेंशन नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा कोन है इसके ऊपर देखते हैं क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। इसके ऊपर एक फोर्स इसका वेट लगेगा जो कि हो जाएगा एम जी, ठीक है। यहां से अगर देखें तो एच हाइट नीचे यहां पर इस पॉइंट पर एक प्रेशर पी होगा, तो यहां पर एक फोर्स लगेगा जो कि प्रेशर इनटू एरिया के बराबर होगा, ठीक है। बाकी ये जो स्लैंट सरफेस है अगर हम देखें स्लैंट सरफेस पर तो लिक्विड के कारण प्रेशर के कारण फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स इधर लगेगा। इस दोनों के कारण देखेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि स्लैंट सरफेस पर वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स एफ लग रहा होगा, ठीक है। और यदि इस कोन का मटेरियल जो है उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर है तो इस रस्सी में टेंशन जीरो ही होने वाला है, तो हमें रस्सी का टेंशन अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो इन तीनों फोर्सेस का जो सम है वो जीरो हो जाए। तो सर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए सर, तो देखिए यहां पर इन तीनों फोर्सेस को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी है, ऊपर जो है वो पीए है और नीचे जो है वो एफ है। तो अगर मैं एमजी लिखूंगा तो मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू एच इनटू इनटू डेंसिटी इनटू जी, है ना, प्लस कैपिटल एफ इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। यहां पर जो प्रेशर होगा ये हो जाएगा एच रो जी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेगलेक्ट करना है, ठीक है। इनटू एरिया, जो डाउन नीचे का जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां से जो फोर्स आएगा ना ये हो जाएगा 1-1/3 इज 2/3, तो 2/3 इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू एच रो जी इनटू एच रो जी, ठीक है। तो इतना फोर्स लग रहा होगा स्लैंट सरफेस पर, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ वन, ठीक है, फोर्थ आंसर हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दैट ए क्यूबॉइडियल पीस ऑफ वुड हैज डाइमेंशंस ए बी एंड सी, इट्स रिलेटिव डेंसिटी जो दैट इज डी, इट इज फ्लोटिंग इन लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सच दैट साइड ए इज वर्टिकल, इट इज पुश्ड डाउन अ बिट एंड रिलीज्ड, द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम एग्जीक्यूटेड बाय इट। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये अपने पास एक बॉडी है और ये अभी फ्लूइड में फ्लोटिंग कंडीशन में है और अभी ये इक्विलिब्रियम में है। तो ये वाली जो साइड है दिस साइड इज ए, लेट सपोज मैंने कहा कि मान लो इनिशियली ये एक्स नॉट डिस्टेंस तक इसके इनसाइड में था और ये इक्विलिब्रियम में था, तो इस पर डाउनवर्ड जो फोर्स एक्टिंग होगा दैट इज एमजी और अपवर्ड जो एक फोर्स एक्टिंग होगा दैट इज एफ। तो एमजी अपना एफबी के इक्वल है इनिशियली, तो एमजी इज इक्वल टू एफबी। तो अपन इसको पुट कर सकते हैं मास, मास इज ए बी सी इनटू रो बॉडी into z is equals to fb can be written as base area jo hai wo to hai b into c to c aur height x naught into rho liquid into z, to liquid apna water hai to rho water into c, वैसे अपने पास d jo hai that value is rho body divided by rho water, relative density ki baat kar raha liquid ki। ab yadi main isko thoda sa push kar do to thoda sa push karte hi ye jo hai wo liquid mein iska jo distance hai that will become x naught plus x, x naught plus x।
बट मीन पोजिशन से डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड अपवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो यदि मैं नेट फोर्स की बॉडी पे बात करूं तो इन दिस केस mg माइनस fb विल बी चेंज एंड इट इज b इनटू c इनटू x नॉट प्लस x इनटू रो वाटर इनटू g, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो x नॉट प्लस x अपने पास आ जाएगी। तो यदि मैं नेट फोर्स की बात करता हूं बॉडी पर, दैट इज mg माइनस में b इनटू c इनटू x नॉट इनटू में रो वाटर इनटू g माइनस में b इनटू c इनटू x इनटू रो वाटर इनटू g। तो ये वाला डाटा तो मेरे पास कैंसिल आउट हो गया यहां से। अब जो नेट फोर्स बॉडी पर आ रहा है, यदि मैं एक्सेलरेशन को f लिखूं, then that value will be b into c into x into rho water into g divided by the mass, और मास will be a b c into rho body। तो b into c तो कैंसिल आउट हो गया, this data comes as minus of rho body by rho water is g, so this is g x divided by a b, this is the acceleration of the SHM performing body. So let's compare this equation with minus omega square x, and the omega comes as under root mean z divided by ad. So the time period, that is 2 pi divided by omega, that is 2 pi under root of ad divided by z. This will be the time period of SHM performing body. So isme apne liye apan correct answer ki baat kare, then fourth one is the correct answer. Chaliye sir aage badhaye, next question karte hain. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अ बॉडी हैविंग वॉल्यूम v एंड अ डेंसिटी रो इज अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ अ कंटेनर एज शोन। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज d, है ना, और लिक्विड की डेंसिटी जो है वो सॉलिड से ज्यादा है। कंटेनर हैज अ कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन a, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, ठीक है। तो ये कंटेनर जो है ये ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है a एक्सेलरेशन से। तो हम किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, ये ऑब्जर्वर जो कि कंटेनर पे बैठा है, ठीक है। तो कंटेनर पे बैठा ऑब्जर्वर की जो है इसे जो g इक्विवेलेंट महसूस होगा वो g प्लस a के बराबर होगा, है ना। तो g के बदले जो है g प्लस a या g इक्विवेलेंट हम लोग कह लेते हैं। अब हम देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है। इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर एक वेट लगेगा, इस बॉडी के ऊपर एक टेंशन लगेगा, और इस बॉडी के ऊपर एक बॉइंट फोर्स लगेगा। अगर हम वेट की बात करें तो वेट होता है बॉडी के खुद के वॉल्यूम के कारण और खुद की डेंसिटी के कारण। बिल्कुल। तो खुद का वॉल्यूम v है ना, और बॉडी की खुद की डेंसिटी जो है वो रो है, इनटू g के बदले हम लोग लिखने वाले हैं g प्लस a। बॉयल फोर्स क्या होता है, डूबा हुआ वॉल्यूम इनटू लिक्विड की डेंसिटी। तो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो d के बराबर है, इनटू g के बदले क्या लिखेंगे, g के बदले हम लोग g प्लस a लिखेंगे। तो जो टेंशन हो जाएगा ना वो जाएगा बॉयल फोर्स माइनस वेट, ये वाला जो फोर्स है ये वेट के बराबर है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं टेंशन इज इक्वल टू बॉयल फोर्स माइनस वेट, और बॉइंट फोर्स में से वेट को माइनस करेंगे ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा v टाइम्स d माइनस रो, ये आ जाएगा v टाइम्स d माइनस रो इनटू g प्लस a, इनटू g प्लस a, ठीक है। तो सेकेंड आंसर हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल सर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगले की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है दैट अ होमोजेनियस सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ कैपिटल l क्रॉस सेक्शनल एरिया a by 5 is immersed such that it floats with its axis vertical at liquid-liquid interface with length L by 4 in denser liquid as shown. Lower density liquid is open to atmosphere having pressure P naught. Then density D of the solid is given by कि condition कुछ ऐसी है कि यहाँ तो pressure P naught है और मेरे को ये body जो है ये floating condition में है, तो इस floating condition में body पर body की density calculate करके बतलानी है, जिसमें ये वाला पार्ट है कि सर इसमें ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज l by 4 और इस पर यहां पर जो लेंथ है दिस लेंथ इज 3l by 4। तो यदि मैं नेट फोर्सेस की बात करूं तो नेट फोर्सेस इस बॉडी पर एक तो mg लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स, और अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स जो है वो बाइंड फोर्स लग रहा होगा। यदि इस कंडीशन में बॉडी पर नेट फोर्स की बात करें तो वो तो वैसे भी जीरो है। बिल्कुल, क्योंकि mgfb के इक्वल होगा फ्लोटिंग कंडीशन में, तो नेट फोर्स जीरो होगा। अच्छा, इस कंडीशन में यदि अपन सिलेंडर को एक बार ड्रॉ कर लें, ये डेंसिटी d है, ये डेंसिटी 2d है, तो इस बॉडी पर जो फोर्सेस लग रहे हैं दो फोर्सेस हैं, एक तो डाउनवर्ड लग रहा है mg और एक अपवर्ड लग रहा है fb। तो mg की जो वैल्यू है दैट इज डेंसिटी ऑफ द बॉडी, लेट्स सपोज दैट इज रो इनटू एरिया, मैं एरिया को स्मॉल a लेकर चल रहा हूं, वैसे a/5 गिवन है, एरिया स्मॉल a ले लेता हूं, इनटू लेंथ ऑफ द बॉडी
दिस इज द मास इनटू जी. और एफबी की बात करेंगे तो बायोंट फोर्स बॉडी पर दो लिक्विड्स की वजह से, एक लिक्विड जिसकी डेंसिटी डी है और दूसरा लिक्विड जिसकी डेंसिटी टू डी है. तो डी डेंसिटी वाले लिक्विड की वजह से 3L by 4 into area. This is the volume inside the liquid which has density d into d into z into g plus L by 4 into a into 2d into z. तो यहां से यदि अपन देखें तो एक तो अपना एरिया जो है वो कैंसिल आउट हो गया, एक इसकी लेंथ जो है वो कैंसिल आउट हो गई, एक g जो है वो कैंसिल आउट हो गया. इधर जो अपने पास क्वांटिटी दैट इज रो, और इधर वाला जो डाटा है दैट इज 3d by 4 प्लस में 2d by 4. So that value comes as 5d divided by 4. मतलब यदि बॉडी इस टाइप से फ्लोट कर रही है तो उसकी डेंसिटी की वैल्यू जो है वो 5d by 4 होगी. तो यदि अपन इसमें करेक्ट आंसर देखें, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें लिखा है कि बलून ऑफ मास कैपिटल एम इज डिसेंडिंग डाउन विद एक्सीलरेशन ए, है ना, ए इज लेस देन जी. व्हाट मास It contains must be removed so that it starts moving up with same acceleration a. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कहते हैं लेट्स से हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी का खुद का मास m दे रखा है, तो इस पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स mg लग रहा होगा, इस पर एक ऊपर एक बॉयंट फोर्स b लग रहा होगा, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियली डिसेंडिंग है ना. ओके, इनिशियली डिसेंडिंग है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए लग रहा होगा, ठीक है. अब देखिए बलून यूजुअली कैसे होता है, बलून होता है नीचे उसमें जो है बैठने के लिए कोई जगह होती है, आप वहां से ना कुछ सामान गिरा दे नीचे तो बलून का मास तो कम हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा. वॉल्यूम कम नहीं होगा तो बॉयंट फोर्स चेंज. जनरली बच्चे ना सर इस वाली चीज से बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर ऐसा कैसे, मास कम हो गया वॉल्यूम कैसे चेंज नहीं हुआ. बिल्कुल, तो हमें समझना ये चाहिए कि जो जो बलून जो हॉट एयर बलून होता है या कोई भी है ना, तो उसमें बलून का वॉल्यूम काफी ज्यादा है और नीचे जो बैठने की जगह होती है उसका वॉल्यूम काफी कम है, तो वहां से कुछ मास कम भी कर दें तो वॉल्यूम सेम है, ठीक है. तो अगर हम सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस की बात करें तो लेट्स से मास चेंज हो करके कैपिटल एम से मास चेंज हो करके लेट्स से एम डैश हो गया, है ना. अब जो नया मास है वो एम डैश इंटू जी है, बॉयंट फोर्स अब भी बी के बराबर होगा, ठीक है. और अब जो है अब हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन ए जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है. इन दोनों के लिए हम लोग इक्वेशंस लिख लें. तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं कि mg माइनस बॉइंट फोर्स जो होगा वो ma के बराबर होगा. तो यहां लिखेंगे mg माइनस बॉइंट फोर्स जो होगा वो ma के बराबर होगा. और यहां से हम लोग लिख लेते हैं बॉइंट फोर्स माइनस m डैश g. तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं बॉइंट फोर्स माइनस m डैश g जो होगा ये m डैश a के बराबर होगा, ठीक है. तो लेट्स से इसे ऐड कर लें, है ना, इसे ऐड कर लेंगे तो ये बॉइंट फोर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो यहां पे यहां पर हमें m डैश कैलकुलेट करने की जरूरत है, ठीक है. तो यहां पर इसको हम लोग इधर ला करके कैपिटल m इनटू g माइनस a आ जाएगा इज इक्वल टू, और इसको इधर ले आएंगे तो यहां से m डैश अगर लिख ले, है ना, तो m डैश इनटू g प्लस a. तो यहां से m डैश की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से m डैश की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम इंटू जी माइनस ए डिवाइडेड बाय जी प्लस ए, ठीक है. हमें बताना क्या था, हमें बताना ये था कि कितना मास हटाना पड़ेगा. कितना मास हटाना पड़ेगा, हमें मास हटाना पड़ेगा कैपिटल एम माइनस एम डैश. नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं. बिल्कुल सर. तो कैपिटल एम माइनस एम डैश अगर करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल एम माइनस m into g minus a divided by g plus a. तो ये हमारे पास हो जाएगा g plus a, और g plus a minus g तो ये हो जाएगा ऊपर आ जाएगा 2a. तो 2ma divided by g plus a. तो आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर हो जाएगा 2ma divided by g plus a. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि द वुडन ब्लॉक विद अ कॉइन प्लेस्ड ऑन इट्स टॉप floats in water as shown in figure. The distance L and H are shown there. After some time, coin falls into water. Then, और हमें L और H पर ये L actually यहीं तक का है. L जो इसकी depth inside में, L और H का discussion करना है. तो यदि मैं L की बात करूँ, तो L के लिए तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाई coin inside में fall हो गया.
तो अपना जो इनिशियली एफ बी था वो एम जी से बैलेंस हो रहा था और उसमें दो चीजों का मास अपने पास था, एक तो बॉक्स का और एक कॉइन का। तो यदि आप कॉइन के मास को रिमूव कर रहे हो फिर ये फ्लोटिंग कंडीशन में है तो ऑब्वियसली वी इन विल डिक्रीज, वी इन विल डिक्रीज, सो वी कैन से दैट द लेंथ एल विल ऑब्वियसली डिक्रीज, मतलब एल तो डिक्रीज होगा। अब अपने को एच के बारे में बात करनी है कि भाई व्हाट विल हैपन विद एच। ठीक है जी सर, तो यदि अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करें इसके बारे में, पहले डायग्राम देख लें। दिस इज द हाइट एच। तो जैसे मैं इसको सिंपल से एक तरीके से एक्सप्लेन करूं कि लेट सपोज इनिशियली कंटेनर में केवल वॉटर था, इनिशियली कंटेनर में केवल वॉटर था और इस कंडीशन में अपन ने इसके ऊपर लाकर ये जो बॉक्स है और बाद में ये रखा, तो इनिशियली जैसे मैं बात करता हूं लेट सपोज कि ये हाइट है एच नॉट। ठीक बात। फिर दूसरे केस में जब अपन ने इसको लाकर इसके ऊपर रखा तो ये हाइट बोल रहा है कि सर ये एच है। That means इसने कुछ मास डिस्प्लेस किया, कुछ वॉल्यूम मोटर का डिस्प्लेस किया जो उसने पोजीशन ली है। और जैसे मैं मान लू कि भाई जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है इनिशियली यहां तक था, इनिशियली ये वाली हाइट एच नॉट थी और इसको सेटल डाउन होने के लिए इतने वॉटर के वॉल्यूम के इक्वल वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है। Obviously, जब अपन बॉडी फ्लोटिंग कंडीशन में होती है तो mg fb के इक्वल होता है, fb की वैल्यू v in into rho liquid into g के इक्वल होती है। तो इसको इतने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है कि भाई इतना वॉल्यूम इसको चाहिए सेटल होने के लिए, तो वो जो वॉटर का वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ है वो ऑब्वियसली मैं इधर सेटल डाउन कर दूं। तो बच्चे जिस चीज से कंफ्यूज रहते हैं ना वो ये वाली चीज है कि वो इस एच नॉट से उसको कंपेयर करते हैं। ऑब्वियसली व्हेन देयर इज नथिंग और आप कुछ ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, बट हमारा जो कंपैरिजन है वो अब इस हाइट के साथ है कि ये एच है। बट अब यहां पर आपके पास कॉइन था, अब ये कॉइन इसके अंदर फॉल हो गया तो व्हाट विल हैपन विद दिस एच। तो हमने कहा जी सर देखो अब कॉइन जो है वो ऑब्वियसली इसके अंदर आ जाएगा। तो इस पर दो टाइप के बायंट फोर्स की बात करें तो दो प्लेसेस पर बायंट फोर्स लग रहे होंगे। एक बायंट फोर्स तो लग रहा होगा इस पर और एक बायंट फोर्स जो आपका कॉइन फोल करके चला गया उस पर। तो हम कहें इनिशियली एफ बी की जो वैल्यू है वो कैपिटल एम बी प्लस एम इंटू सी इंटू जी के इक्वल है, दैट वैल्यू इज वी डिस्प्लेस्ड इंटू रो वॉटर इंटू जी। लेकिन दूसरे केस में आपका एफ बी जो है वो मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी इंटू जी के इक्वल नहीं है। सेकेंड केस में एफ बी डैश जो है वो मास ऑफ बॉक्स इंटू जी प्लस एफ बी ऑन कॉइन के इक्वल है और कॉइन पर जो बायोंट फोर्स है भाई यदि मैं कैलकुलेट नहीं करना चाहूं, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहूं तो ये मास ऑफ सी इंटू जी माइनस में कुछ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा जो नॉर्मल भाई इस पर यदि अपन बात करेंगे तो इस पर मास ऑफ कॉइन इंटू जी और एक बायोंट फोर्स ऑन कॉइन और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस से लग रहा हो एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑब्वियसली समथिंग, मतलब कुछ तो है, वन है, टू है, थ्री है, पॉइंट वन है, कितना भी लेसर हो पर कुछ है, कुछ है। दैट मींस इस केस में यदि मैं वी डिस्प्लेस्ड डैश इनटू रो वाटर इनटू जी का कंपैरिजन करता हूं तो ये वी डिस्प्लेस्ड डैश इनटू रो वाटर इनटू जी इज इक्वल टू इनिशियली वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू रो वाटर इनटू जी माइनस में नॉर्मल, मतलब फाइनल केस में जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है वो इनिशियल केस के डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम से कम है। कम है तो कम हाइट तक सेटल होगा, मतलब इनिशियली यदि हाइट एच की वैल्यू कहूं तो एच नॉट प्लस डेल्टा एच वन जो डिस्प्लेस्ड की वजह से हुआ और दूसरे केस में एच फाइनल की बात करें दैट इज एच नॉट प्लस डेल्टा एच टू। दूसरे केस में डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कम है तो हाइट भी कम होगी, इसका मतलब एच फाइनल जो है दैट वैल्यू इज लेस देन एच, मतलब फाइनली उसकी हाइट जो है एच भी डिक्रीज करेगा। अच्छा इसमें यदि कई बार है ना सर ऐसा भी होता है कि यहां पर पिंग पोंग बॉल रख देते हैं फिर उसकी बात कर लेते हैं तो उस कंडीशन में तो फिर वो फ्लोटिंग में ही रहती है, फिर वो फ्लोटिंग में रहती है तो नॉर्मल तो उसमें नहीं आना। इसका मतलब उस वाले केस में भी
बायोट फोर्स इनिशियल के इक्वल होगा तो हाइट में कोई डिफरेंस नहीं आता। यदि लिक्विड की डेंसिटी, यदि सॉलिड जो फोल्ड कर रहा है उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो हाइट फोल्ड करेगी, कम है तो हाइट सेम रहेगी। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की यदि मैं बात करूं तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, बोथ एच एंड एल विल डिक्रीज। चलिए सर आगे बढ़ाएं बात को, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, अगले क्वेश्चन करते हैं। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ डेंसिटी रो floats completely immersed in two non-mixing liquid of density rho1 and rho2 as shown in figure. ठीक है, the relation between the rho, rho1, rho2 is, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। इस पर तो एक तो इसका वेट लग रहा होगा, जो इसका वेट लग रहा होगा वो हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। लेट्स से ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये हम लोग ए मान लेते हैं, तो उसका जो वेट होगा वॉल्यूम हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू थ्री एक्स, थ्री एक्स इंटू ए इंटू इसकी डेंसिटी रो है इंटू जी। अब बॉइंट फोर्स जो है वो दो तरह का बॉइंट फोर्स आएगा, एक हम लोग बॉइंट फोर्स बी वन बोल देते हैं ऊपर वाली लिक्विड के कारण, और एक बॉइंट फोर्स हम लोग बी टू बोल देते हैं नीचे वाली लिक्विड के कारण। तो ऊपर वाले लिक्विड के कारण जो बॉइंट फोर्स होगा वो होगा ऊपर कितना वॉल्यूम है लिक्विड में इंटू लिक्विड की डेंसिटी, बिल्कुल ठीक है। तो ऊपर जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा ए इंटू टू एक्स इंटू लिक्विड की डेंसिटी जो है वो रो वन है इंटू जी है, जो नीचे वाला वॉल्यूम है वो हो जाएगा ए इंटू एक्स इंटू लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कितनी है वो है रो टू इंटू जी। तो इन दोनों फोर्सेस का सम इसके बराबर होना चाहिए। अब यहां से अगर हम देखें तो ए एक्स और जी, ए एक्स और जी, यहां से भी ए एक्स और जी, ये सब यहां से कैंसिल हो जाएगा। यहां से ऊपर बचेगा टू रो वन प्लस यहां से बचेगा रो टू और नीचे बचेगा थ्री रो, तो रो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू रो वन प्लस रो टू डिवाइडेड बाय थ्री, डिवाइडेड बाय थ्री, ठीक है। तो थर्ड लेवल चल करेक्ट आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दैट व्हेन एट रेस्ट ए लिक्विड स्टैंड्स एट सेम लेवल इन ट्यूब्स सोन, ओके, बट एज इंडिकेटेड ए हाइट एच डिफरेंस ओकर्स व्हेन सिस्टम इज गिवन एक्सेलरेशन ए टुवर्ड्स राइट, हियर एच इज इक्वल टू, कह रहा है कि ये हाइट डिफरेंस आ गया दोनों के बीच और हमें ये हाइट डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है, बिल्कुल। तो मैं यदि इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर की बात करूं, लेट सपोज ये वाली लेंथ जो है मेरी ये एक्स है तो ये भी एक्स है, यदि मैं यहां प्रेशर की बात करूं तो पी नोट, यहां प्रेशर की बात करें तो पी नोट, दोनों साइड में इक्वल है तो अपन पी नोट की तो बात ही नहीं करते, पी नोट को नेगलेक्ट कर दो। तो इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी रो जी इनटू एक्स वर्टिकल की वजह से, और यदि मैं एक्सीलरेशन की अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हूं तो इस वाले पॉइंट पर प्रेशर इससे ज्यादा होगा, दैट वैल्यू विल बी रो जी एक्स प्लस रो ए, इसकी वजह से इधर। अच्छा इधर से यदि मैं बात करूं तो यहां पी नोट को तो मैं जीरो मान के चल रहा हूं, यहां से यहां की यदि अपन बात करेंगे तो यहां से इस वर्टिकल मूवमेंट की वजह से जो प्रेशर आ रहा है दैट इज रो जी इनटू में एच प्लस एक्स, और अब दोनों साइड से अपन एक इधर से एक प्रेशर कैलकुलेट किया एक इधर से किया तो दोनों साइड का प्रेशर इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए तो ये रो जी एक्स वाला टर्म जो है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस साइड में अपने पास टर्म आ रहा है रो जी एच और इधर वाले साइड में टर्म आ रहा है रो ए एल। So from here we can say that the height difference between both the columns is A L divided by Z. So fourth one is the correct answer. Correct answer. ठीक है चलिए सर चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल देखिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। In a cylindrical vessel containing a liquid of density rho, there are two holes inside walls at a height h1 and h2 respectively, such that the range of efflux at the bottom of the vessel is same height of a hole, for which range of efflux would be maximum will be, ठीक है। तो देखिए एक बात हम जानते हैं यहां पर कि यदि हम टॉप से अगर कुछ हाइट की बात करें और बॉटम से अगर कुछ हाइट की बात करें, ये दोनों हाइट अगर इक्वल होती है तो ये रेंज भी सेम इक्वल होता है, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लेट से अगर ये वाली हाइट अगर h1 है तो ये वाली हाइट h2 है, ये क्वेश्चन में बता रहे हैं, और ये हाइट अगर h1 है और रेंज अगर बराबर है तो इसका मतलब ये वाली हाइट जो है ये भी h1 के बराबर है, तो टोटल हाइट जो लिक्विड की है वो h1 plus h2 हो गई, बिल्कुल सर ठीक है। रेंज मैक्सिमम की बात करें, रेंज मैक्सिमम भी हमें मालूम होता है कि रेंज मैक्सिमम तब होता है जबकि ये वाली जो हाइट है
ये टोटल हाइट का आधा हो, है ना। और टोटल हाइट का आधा मतलब टोटल हाइट h1 प्लस h2 है, तो ये वाली हाइट h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर MA अपॉन MB इज इक्वल टू 2/3। Okay, then the ratio of density of block B of the liquid is 2:1. The system is released from rest. Then, ठीक है, तो क्वेश्चन अपना कुछ इस टाइप का है कि अभी सिस्टम रेस्ट में है, यहां पर मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास MA, इधर ब्लॉक मास MB, तो इसको मैं 2m कह दूं और इसको मैं 3m कह दूं, और ये एक लिक्विड में सबमर्ज्ड है। यदि मैं फोर्सेस की बात करूं तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा 3mg, बिल्कुल, और इस पर इधर वाली डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा 2h। लेट सपोज अपन टेंशन को तो भूल जाते हैं, टेंशन से बाहर निकल के बात करें, इस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में FB फोर्स लग रहा होगा, और उस फोर्स FB की जो वैल्यू है That is V completely submerged into liquid की density, यदि मैं रो कह रहा हूँ, body की density तो 2 रो है, ratio इनका जो given है 2:1 है, block to the liquid that ratio is 2:1, so इस पर एक buoyant force लग रहा होगा। अब यदि मैं body की density, जैसे B की density 2 रो, तो इसका जो volume है वो मेरे पास 3m divided by 2 रो into rho into g, तो rho तो cancel out हो गया, this value is 3mg/2, ये 2mg और ये 3mg। मतलब सिस्टम के यदि अपन एक्सीलरेशन या मोशन की बात करें तो इस डायरेक्शन में सपोर्टिंग मोशन फोर्स ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो ये बॉडी इधर मूव करेगी इनिशियली। जब ये लिक्विड के इनसाइड में है तो लिक्विड के इनसाइड में इस पर ये फोर्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, मतलब कोई वेरिएबल फोर्स विद रिस्पेक्ट प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा, दैट मींस बॉडी का मोशन SHM तो नहीं होगा, बिल्कुल प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स नहीं आ रहा, मतलब SHM नहीं है, SHM नहीं है, तो अब अपन देख रहे हैं कि ऑसिलेटरी है कि नहीं है। तो अभी जब लिक्विड के इनसाइड है तब तो ये बॉडी अपवर्ड मूव करेगी, तब चलो अपन लिक्विड के आउटसाइड में बात करें कि जब A जो है वो इधर नीचे जा चुका है, इसका मास 2m, इस पर फोर्स लग रहा है इधर 2mg, और B जो है जिसका मास 3m, उस पर फोर्स लग रहा है 3mg, तो ऑब्वियसली इनिशियल मोशन की वजह से ये कुछ डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल करेगा, उसके बाद रुकेगा और फाइनली वापस अंदर मूव करेगा, फिर ये डाउनवर्ड मूव करेगा, तो फिर ये लिक्विड में एंटर करेगा, तो फिर जाकर रुकेगा, फिर वापस से यही वाली कंडीशन फिर से जनरेट हो जाएगी। तो बॉडी का जो मोशन होगा वो ऑसिलेटरी तो होगा, नो डाउट है, बट दैट मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक बिकॉज द फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। That means, यदि अपन करेक्ट आंसर की बात करें, the block will, B will oscillate, but not simple harmonically. First one is the correct answer. चलिए सर, आगे बढ़ाते हैं, next question की बात करें, question number 11. Heavy cone, a heavy hollow cone of radius R in the height edge is placed on a horizontal table surface with its flat base on the table. With whole volume inside, the cone is filled with water of density rho. The circular rim of cone's base has a watertight seal with table's surface and top apex cone has a small hole. Neglecting atmospheric pressure, find the total upward force exerted by water on the cone is. ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हमारे पास एक कोन है, ठीक है, कोन के यहां पर जो है ऊपर एक छोटा सा होल है, है ना, और इसके अंदर जो है इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, तो हमें बताना है कि ये लिक्विड जो है इस कोन के सरफेस पे कितना अपवर्ड फोर्स लगाएगा। तो लिक्विड कोन के सरफेस पर जितना अपवर्ड फोर्स लगाएगा, कोन का सरफेस लिक्विड पर उतना ही डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। तो मैं कोन को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लिक्विड को कंसीडर कर रहा हूं। आप ये मानिए कि ये तो बस लिक्विड है, ठीक है, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके देखते हैं। तो लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक इस पर नीचे mg आएगा, और लिक्विड के सरफेस पर यहां पर अगर प्रेशर P है तो यहां पर एक फोर्स आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, और इस स्लैंट सरफेस पर देखेंगे तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स F आएगा, ठीक है, और इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो जाएगा। यहां से लिखेंगे F प्लस mg जो है, F प्लस mg ये किसके बराबर हो जाएगा, ये प्रेशर इनटू एरिया के बराबर हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया माइनस mg, तो प्रेशर क्या लिखेंगे, प्रेशर लिखेंगे h rho g इनटू एरिया
है ना, ये हो जाएगा एच रो जी इंटू एरिया माइनस वॉल्यूम, क्या लिखेंगे तो वॉल्यूम लिखेंगे 1/3 इंटू एरिया इंटू हाइट, ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो यहां पर जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 2/3 times एच रो जी इंटू ए। ठीक है, अगर हम ऑप्शन देखें तो एरिया के बदले तो पाई आर स्क्वायर आता है ना, ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आपको करना क्या है, इस एरिया के बदले क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, तो फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है दैट सिलेंड्रिकल होमोजेनियस रोड ऑफ लेंथ 2L फ्लोट्स पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर बीइंग सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग फास्टन्ड टू वन ऑफ इट्स एंड एज शोन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द रोड इज दिस द लेंथ ऑफ द रोड दैट एक्सटेंड्स आउट ऑफ द वाटर इज। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये अपने पास एक रोड है, इसका कुछ यहां से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड कुछ पोर्शन, लेट सपोज इसकी एक्स लेंथ जो है वो वाटर के इनसाइड में सबमर्स्ड है, टोटल रोड की लेंथ 2L है, तो इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा mg, और mg जो यहां से लग रहा होगा ये वाली लेंथ होगी l। दूसरा यदि मैं fb देखना चाहूं तो अपन fb लेते हैं कि बॉडी का जितना पार्ट सबमर्स्ड है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो बॉडी जो है उसकी एक्स लेंथ यदि सबमर्ज्ड है तो इस वाले एंड से 2x माइनस x, यहां से x बाई 2 लेंथ पर, तो इधर वाले एंड से 2l माइनस x बाई 2 डिस्टेंस पर ये fb कनेक्टेड होगा, इधर fb, ये वाला एंगल यदि थीटा है तो ये भी अपना थीटा है, और हमें ये एक्चुअली ये वाली वैल्यू जो है व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट कि आउटसाइड वाला पार्ट कैलकुलेट कर रहा है, मतलब 2l माइनस x कैलकुलेट कर रहा है, तो x आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व है। तो मैं इसमें कई बार टेंशन भी पूछ लेते हैं तो टेंशन भी निकाल सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में बात करें तो यदि मैं इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क की बात करूंगा तो O के अबाउट जब टॉर्क लेंगे तो टेंशन का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, केवल mg का और fb का टॉर्क आएगा। तो और दैट mg का टॉर्क और fb का टॉर्क ऑब्वियसली अपने को दिख रहा है कि इस पॉइंट से दोनों फोर्सेस इधर ही लग रहे हैं, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड, तो दोनों का टॉर्क अपोजिट आएगा, तो mg का जो टॉर्क आएगा दैट इज mg into l और fb का जो टॉर्क आएगा दैट इज fb into distance x by 2, वैसे sin थीटा भी आएगा बट दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दिया। तो mg की यदि अपन बात करें, दिस इज एरिया ऑफ द रोड into लेंथ ऑफ द रोड दैट इज 2l into डेंसिटी ऑफ द बॉडी, this is the mass into z into l is equals to fb, fb is inside, तो area into में length x inside का volume into density of rotor rho water into z into में 2l minus x by 2। तो जो data आपने पास cancel out हो रहा है, एक तो area cancel out हो गया, एक g cancel out हो गया यहाँ से, और कोई term cancel out नहीं हो रहा अभी, तो ये 2l square रो बॉडी डिवाइडेड बाय रो वाटर दैट इज 3/4, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वो गिवन है 0.75 दैट इज 3/4 इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू इज हियर इन दिस साइड इट इज 2l इट इज 4l माइनस x डिवाइडेड बाय 2, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, ये 2 कैंसिल आउट, तो वैल्यू जो अपने पास आ रही है दैट इज 3l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4xl माइनस x स्क्वायर, सो x स्क्वायर माइनस 4xl प्लस 3l स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यदि फ्रैक्शन बना के देखें तो x माइनस 3l, तो एक तो x की वैल्यू 3l और एक x माइनस l, तो एक x की वैल्यू l, 3l वाला केस तो बनता ही नहीं क्योंकि लेंथ ही बॉडी की 2l है, तो बॉडी की जो लेंथ है इनसाइड में l, तो आउटसाइड की भी यदि अपन बात करेंगे तो 2l माइनस l इज आल्सो l, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन। चलिए सर आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Figure shows a three-arm tube in which a liquid is filled up to a level height L. It is now rotated at an angular speed, angular frequency omega, about an axis passing through arm B. ठीक है, the angular frequency omega at which the level of liquid in the arm B becomes zero. ठीक है, एक छोटी सी बात समझते हैं, हमने इसको घुमाया, ठीक है, तो इस सेंटर वाले आर्म में जो है ये लिक्विड कम होगा, और यहां पर अगर लिक्विड कम होगा तो यहां पर लिक्विड थोड़ा सा रेज होगा और यहां पर लिक्विड थोड़ा सा रेज होगा, लेट्स यहां पर लिक्विड रेज होकर के यहां तक पहुंच गया और यहां पर लिक्विड रेज होकर के यहां तक पहुंच गया,
एक छोटी सी बात हम सिमेट्री से कह सकते हैं है ना, कि इस लेवल इसमें जितना लिक्विड रेज होगा और इसमें जितना लिक्विड रेज होगा ये बराबर होगा, और लिक्विड का वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जितना वॉल्यूम यहां कम होगा उसमें से आधा यहां पहुंच जाएगा और आधा यहां पहुंच जाएगा। तो अगर अगर ये हाइट यहां पर अगर हम लोग एल बोल रहे हैं तो ये वाली हाइट जो यहां से यहां तक पहुंचेगी ये हो जाएगी एल बाय टू टू, और ये जो हाइट यहां से यहां तक पहुंचेगी ये हो जाएगी एल बाय टू, और यहां पर लिक्विड अब नहीं बचेगा, ये वाला जो है ये पूरा का पूरा कंप्लीटली जो है ये अब खाली हो जाएगा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात देखते हैं, यदि मैं एक पॉइंट यहां कंसिडर करूं और एक पॉइंट यहां कंसिडर करूं, तो यहां का जो प्रेशर होगा ये पी नॉट हो जाएगा, और यहां का जो प्रेशर होगा लेट्स से यहां का प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस 3L बाय 2, यहां हो जाएगा पी नॉट प्लस 3L बाय 2 इंटू रो इंटू जी। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच अगर प्रेशर डिफरेंस की बात करूं है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच अगर मैं प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी लिखूं, तो ये डेल्टा पी के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये होता है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर, लेट्स अगर अगर डिस्टेंस अगर हम आर बोल रहे हैं, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर है ना, ये इन दोनों पॉइंट के बीच जो है ये प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है, और इन दोनों के बीच जो प्रेशर डिफरेंस यहां पर है पी नॉट प्लस 3L बाय 2 रो जी, और यहां पर है पी नॉट, तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखते हैं, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3L बाय 2 है ना, 3L बाय 2 इंटू रो इंटू जी, तो लेट्स यहां से रो और रो कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। एक बार पीछे स्लाइड में देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये L के बराबर है, मतलब R जो है वो L के बराबर है, तो यहां पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर इज इक्वल टू 3L इंटू जी है ना, 3L इंटू जी, तो यहां से एक L और एक L और कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3G डिवाइडेड बाय L, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब थर्ड जो है वो तुम्हारा आंसर थर्ड हो गया, करेक्ट आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है दैट देयर इज अ सर्कुलर ट्यूब इन अ वर्टिकल प्लेन, टू लिक्विड्स व्हिच डू नॉट मिक्स एंड ऑफ डेंसिटीज D1 एंड D2 आर फिल्ड इन द ट्यूब, इसमें एक चीज मेंशन नहीं है कि D1 कौन सा वाला है और D2 कौन सा वाला है, तो अपन यदि इसको स्पेसिफाई करना चाहें D1 और D2 के साथ, चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, D1 एंड D2 फील्ड इन द ट्यूब, इस लिक्विड सब्सटेंस 90 डिग्री एंगल एट द सेंटर, मतलब ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल 90 और ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल भी 90 है, रेडियस जॉइनिंग देयर इंटरफेसेस मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल रेशियो ऑफ D1 बाय D2, तो D1 बाय D2 का रेशियो अपने कैलकुलेट करना है, ये गिवन होना चाहिए कि ये वाला जो है ये तो D1 है और ये वाला जो है ये D2 है, तो यदि अपन इसमें डायग्राम को एक बार वापस से रीड्रॉ करके और वर्टिकल हाइट के बेसिस पर केवल प्रेशर की यदि बात करना चाहे, जैसे ये वाला केस है, इधर वाला एंगल है अल्फा और ये 90 डिग्री सस्टेन कर रहा है, तो ये वाला एंगल हो गया मेरा 90 माइनस अल्फा और ये वाला एंगल हो गया अल्फा। सिमिलरली यदि मैं इधर बात करूं, ये वाला एंगल मेरा अल्फा है, तो ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल आ गया मेरा 90 माइनस अल्फा। अब यहां से यहां तक तो पहले D2 डेंसिटी वाला लिक्विड है यहां से यहां, फिर D1 डेंसिटी का लिक्विड है और इधर केवल D1 डेंसिटी का लिक्विड है, तो मैं यदि यहां से इस वर्टिकल में एक ये वाली हाइट, देन ये वाली हाइट और देन ये वाली हाइट, यदि मैं इधर से प्रेशर को लिखना चाहूं, ये रेडियस R है तो ये वाली हाइट हो गई मेरे पास R cos अल्फा, यदि ये रेडियस R है तो ये वाली जो हाइट है मेरे पास ये हो गई R sin अल्फा, सॉरी दिस विल बी R sin अल्फा एंड दिस विल बी R cos अल्फा, और ये जो हाइट है ये जो रिमेनिंग अपने पास बच गई दिस R R cos अल्फा, नीचे रिमेनिंग बचा R 1 माइनस cos अल्फा, यदि इधर वाली साइड से मैं वर्टिकल हाइट की बात करता हूं ये R तो ये R sin अल्फा, तो इधर वाली साइड से जो वर्टिकल हाइट है दैट इज R 1 माइनस sin अल्फा। केवल एक सिंपल सी बात,
कि आप इधर से प्रेशर देखिए और इधर से प्रेशर देखिए और उनको इक्वल फुट कर दीजिए, तो इधर जो प्रेशर है दैट इज डी टू इंटू जी इंटू, में हाइट की बात कर ले तो पहले आर साइन अल्फा है और फिर आर कोस अल्फा है डी टू के साथ इतना, फिर डी वन के साथ आर वन माइनस कॉस अल्फा, डी वन जी साथ में आर वन माइनस कॉस अल्फा, और यदि मैं इधर से देखूं तो ये वाला डाटा डी वन जी आर वन माइनस साइन अल्फा अपने पास आ रहा है, बिल्कुल एक तो जी और एक आर ये तो सही हो जाएंगे अपने, तो इधर वाला डाटा तो अपने पास है डी टू इंटू में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और इधर वाला डाटा है मेरे पास, इसको मैं यदि इधर ले आऊं तो डी वन वन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सो इफ आई कैलकुलेट द रेशियो डी वन बाई डी टू दैट वैल्यू कैन बी रिटन एज कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो यदि मैं पूरी इक्वेशन को कॉस अल्फा से डिवाइड कर दूं तो दिस वैल्यू बिकम्स वन प्लस टेन अल्फा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन अल्फा। ये सर उन गिने चुने क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है जो एक बार एआई ट्रिपली में भी आ चुका है और एक बार जी मेन में भी आ चुका है, दो बार पूछा जा चुका है, तो यदि अपन इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन में पिछले अगला क्वेश्चन करते हैं। A liquid flows through a horizontal tube, the velocity of the liquid in the two sections which have area of cross section A1 and A2, V1 and V2 respectively, the difference in the level of the liquid in the two vertical tube is h, ठीक है? तो हमें options की बात कर रहे हैं। तो the volume of the liquid flowing through the tube in the unit time is A1 V1, है ना? तो अगर मैं इस cross section की बात करूं और यहाँ पर अगर मैं volume flow rate लिखूं तो volume flow rate होता area into velocity, तो यहाँ पर हो जाएगा A1 into V1। अगर मैं यहाँ पर अगर volume flow rate की बात करूं तो यहाँ हो जाएगा area into velocity, तो ये हो जाएगा A2 into V2, और ये A1 V1 A2 V2 बराबर होता है, है ना? तो first answer जो है ये हमारा correct हो गया। चलो second और third की बात हम लोग अलग से करेंगे, एक बार हम लोग पहले तब तक fourth option पढ़ लेते हैं। fourth option क्या दिया हुआ है? The energy per unit mass of the liquid is same, है ना? In both the section of the tube। ये हमें पता है कि यदि liquid flow हो रहा होता है तो उसमें किसी भी unit mass की बात करें या unit volume की बात करें तो उसमें energy जो है वो बराबर होती है, और यही बर्नौलीज प्रिंसिपल का बेसिस है, ठीक है? तो इसका मतलब जो है, जो फोर्थ आंसर है, ये हमारा सही है। चलो, अब हम बात करते हैं V1 और V2 में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो V1 V2 में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है तो एक बार हम लोग ये वाला पॉइंट ले लें और लेट्स से एक बार हम लोग ये वाला पॉइंट ले लें। तो यहां पर हम प्रेशर P1 मान लेते हैं और यहां पर हम प्रेशर P2 मान लेते हैं, ठीक है? और अगर मैं P1 और P2 की बात करूं, है ना, तो यहां पर अगर ये वाली हाइट अगर x है, ये वाली हाइट अगर x है, तो P1 कितना होगा? P1 हो जाएगा, ये हो जाएगा P0 प्लस, है ना, P0 को एक बार लेट्स इग्नोर भी कर दें तो ये हाइट हो जाएगी h प्लस x, तो ये हो जाएगा h प्लस x इनटू रो इनटू g। और अगर P2 की बात करें तो P2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x रो g। तो इन दोनों पॉइंट पर अगर हम लोग प्रेशर डिफरेंस डेल्टा p लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा p, हो जाएगा h रो g, है ना? तो डेल्टा पी का मतलब है पी वन माइनस पी टू कर रहे हैं, तो पी वन माइनस पी टू जो है ये कितना हो गया? ये एच रो जी हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो ये ट्यूब हमारे पास, ये ट्यूब हमारे पास कुछ इस तरह से है। यहां पर लिक्विड का लेवल जो है ये थोड़ा सा, यहां पर लिक्विड का लेवल कम है और यहां पर लिक्विड का लेवल, यहां पर लिक्विड का लेवल ज्यादा है, ठीक है? इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो पी वन है और इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो कितना है? P2 है। इन दोनों पॉइंट पर हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना है? P1 प्लस यहां लिखेंगे हाफ रो इनटू V1 स्क्वायर प्लस हम लोग रेफरेंस लेवल इसी हाइट को मान लेते हैं तो ये h रो g वाला टर्म नहीं लिखना पड़ेगा, इक्वल टू इस पॉइंट का प्रेशर क्या लिखेंगे? P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, है ना? प्लस अगेन h रो g वाला टर्म हमें नहीं लिखना पड़ेगा, यहां से हम लोग लिख लेते हैं P1 माइनस P2, और ये P1 माइनस P2 किसके बराबर हो जाएगा? यहां पे कॉमन ले लो 1 बाय 2 इंटू रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और P1 माइनस P2 को हम यहां से H रो G लिख सकते हैं, तो यहां से लिख देंगे H रो G इज इक्वल टू रो बाय 2 इंटू
वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, तो ये रो रो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा टू जी एच के, ठीक है। चलिए तो थर्ड आंसर जो है ये हमारा सही हो गया। तो बेसिकली आंसर कौन कौन सा सही हो गया, पहला सही हो गया, तीसरा सही हो गया और चौथा सही हो गया, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है दैट अ होलो स्फेरिकल बॉडी ऑफ इनर एंड आउटर रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली फ्लोट्स हाफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन वाटर, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इन एसआई यूनिट्स। मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये अपने पास एक स्फीयर है, जिसमें इस वाले पोर्शन में अपने पास मटेरियल है, इनसाइड वाला होलो है और ये फ्लोट कर रहा है। यदि ये फ्लोट कर रहा है तो यदि मैं इनसाइड के वॉल्यूम की बात करता हूं तो अपन फ्लोटिंग केस में mg = fb रखते हैं, बिल्कुल। तो इनसाइड जो वॉल्यूम है वो तो 2/3 pi, लेट सपोज आउटर रेडियस कैपिटल r है और इनर रेडियस स्मॉल r है, तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम तो ये इनटू में रो वाटर इनटू जी। और mg की यदि मैं बात करूं तो मेरे पास एक्चुअली केवल इस पार्ट में मटेरियल है, इनसाइड में कुछ नहीं है, तो इसके वॉल्यूम की यदि मैं बात करूं तो दैट कैन बी रिटन एज 4/3 pi कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इनटू रो बॉडी इनटू जी। मतलब फ्लोटिंग कर रही है तो मेरे को एम जी एफ बी के इक्वल रखना है, बस जो वॉल्यूम लेना है उसके बारे में सोचना है कि फ्लोटिंग के लिए तो वॉल्यूम क्या लेना है और बॉडी के मटेरियल के लिए वॉल्यूम क्या लेना है, बाद में क्वेश्चन खत्म है। तो 2/3 pi से 2/3 pi तो कैंसिल आउट हो गया, Z अपना कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से रो बॉडी की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है दैट इज कैपिटल आर क्यूब इनटू रो वाटर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, कैपिटल आर इज 8 स्मॉल आर इज 6। यदि अपन यहां से इसकी वैल्यू पुट करके और एक 2 वाला टर्म और आएगा, यदि बॉडी की डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे दैट वैल्यू कम्स एज 865 kg/m³, दैट इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी। चलिए सर आगे बढ़ाएं बात को, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। A small ball relative density 0.8 falls into water from a height 2 meter. ठीक है। The depth to which the ball will sink is. तो let's say ये हमारे पास हमारा liquid का surface है और यहाँ से एक ball को गिरा रहे हैं। तो जब ये ball नीचे गिर रहा होगा, इसका acceleration downward direction g होगा। और जब ये ball यहाँ तक पहुँचेगा, तो let's say इसके पास एक velocity v naught आ गई होगी। और जो liquid की जो density है वो सॉरी जो सॉलिड की डेंसिटी है, बॉल की डेंसिटी, वो लिक्विड की डेंसिटी से कम है, इसका मतलब इस पर एक अपवर्ड बाइंड फोर्स लग रहा होगा जो कि mg से बड़ा होगा। तो ये नीचे जब जाएगा तो ये डीएक्सेलरेट हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है एक एक्स्ट्रा फोर्स होगा। तब हम ये बात करेंगे कि जब ये अंदर डूब जाएगा तो इसका ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, ये हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो लेट्स से अगर देखें तो इसके ऊपर एक बॉइंड फोर्स ऊपर लगेगा, एक mg नीचे लगेगा। तो अगर हम ये एक्सेलरेशन लिखना चाहे तो ये एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक्सेलरेशन लिख सकते हैं बॉइंड फोर्स माइनस mg डिवाइडेड बाय m। तो बॉइंड फोर्स को हम लोग लिख लेते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g डिवाइडेड बाय m आएगा। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस माइनस का g। तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम कट गया और इसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.8 दे रखी है, मतलब ये वाला टर्म 0.8 है, ये 0.8 सॉलिड बाय रो लिक्विड 0.8 है ना। तो ये हो जाएगा g डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस g माइनस g, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग ये इसको सॉल्व करना करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहां से g कॉमन ले लेते हैं, यहां पर आ जाएगा 8 और 10 माइनस 8 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा बेसिकली सॉल्व करके 2.5। तो ये जो एक्सेलरेशन आ जाएगा ये आ जाएगा 2.5 m/s². तो ये जो नीचे जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 है और अब इसका अपवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ये कितना है, ये 2.5 है। ये हाइट कितनी दे रखी है, ये हाइट 2 मीटर दे रखी है। अब मान लेते हैं ये यहां तक जाकर के रुक गया, अब यहां जाकर के अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो हमें ये वाली हाइट बतानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, बिल्कुल सर। तो देखिए यहां से यहां तक अगर हम लिखेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as लिखते हैं, यहां पर हो जाएगा v नॉट स्क्वायर माइनस 0
is equal to 2 into 10 into displacement is 2 meter. और यहां से यहां तक लिखेंगे v square minus u square equal to 2as, तो final velocity is 0 का square minus v naught का square is equal to 2 times, है ना? Let's say अगर हम downward direction positive मार रहे हैं, तो acceleration क्या हो जाएगा? Minus 2.5 minus 2.5 into displacement हमें निकालना है, ठीक है? यहां से v naught square की value इसमें रख दीजिए, तो ये जो displacement आ जाएगा, ये 8 meter आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चले चले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, मतलब ये कंडीशन कुछ ऐसी है कि पहले एक कंटेनर में अपने पास मरकरी और इसमें फ्लोट कर रहा है, मतलब mg जो है वो v by 3, 1 by 3 फ्रैक्शन के साथ, तो v by 3 into rho hg into g के इक्वल हो। दूसरे केस में यदि मैं बात करूं तो उन्होंने कहा है कि भाई अपन इसमें कुछ वाटर डालते हैं और लेट सपोज कि x फ्रैक्शन जो है वो अपन मान ले कि मरकरी के इनसाइड में है, तो ये जो आउटसाइड में वाटर है, यदि इनसाइड में इसमें फ्रैक्शन जो है वो x है, तो आउटसाइड वाला जो वॉल्यूम है दैट इज v माइनस x v, v माइनस x, और हमें x कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियसली अभी भी mg fb के इक्वल होगा, लेकिन fb दो वजहों से होगा, एक मरकरी की वजह से, एक वाटर की वजह से। तो mg जो है मरकरी वाले केस में तो xv into rho hg into g, और वाटर वाले केस में v 1 माइनस x into rho water into g, तो अपन ये वाली वैल्यू को उठा के यहां रख दें यदि, तो v by 3 into rho hg into g is equals to x into v, sorry, xv into rho hg xv into rho hg into g plus में v into 1 minus x into rho water into g, तो अपना एक g cancel out हो गया और एक v cancel out हो गया। इधर जो वैल्यू बच रही है, दिस वैल्यू इज 13.6 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज x इनटू 13.6 एंड दिस वैल्यू इज 1 माइनस x इनटू प्रो वाटर, यदि अपन 1 पुट कर ले, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बन गया, हमें जस्ट x कैलकुलेट करना है, तो बहुत एक सिंपल सी इक्वेशन है, आई थिंक इसके बाद स्टूडेंट्स जो है उसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा इतना पार्ट तो हम आपके लिए छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, अ टैंक इन फिगर डिस्चार्जेस वाटर एट अ कांस्टेंट रेट फॉर ऑल वाटर लेवल अबव द एयर इनलेट आर, है ना? यहां पर एयर इनलेट आर है, ठीक है? द हाइट अबव द डेटम टू विच द वाटर वुड राइज इन द मैनोमीटर ट्यूब m एंड m respectively r, ये मैनोमीटर ट्यूब है, यहां से लेकर के यहां तक देखिए, ये वो मैनोमीटर ट्यूब है, ये लेवल m है और ये वाला लेवल n है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम देखें कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर p नॉट होगा, इस पॉइंट का अगर हम प्रेशर देखें तो इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा ये p नॉट होगा, इस पॉइंट का प्रेशर अगर p नॉट होगा, तो अगर मैं यहां से अगर यहां तक जाऊं और इस पॉइंट का प्रेशर अगर मैं P1 लिखूं, तो ये P1 कितना होगा, P1 हो जाएगा P नॉट माइनस 40 इंटू रो इंटू जी, यूनिट का ध्यान रखेंगे हम लोग, बिल्कुल, कि यहां का जो प्रेशर है ये P नॉट से थोड़ा सा कम होगा, कम होगा, ठीक है। अब एक बात समझिए, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर अगर हम लोग पॉइंट, कोई पॉइंट लें, अगर यहां पर एयर है, इसका भी जो प्रेशर है वो P1 होना चाहिए, है ना? इसका जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, P1 होना चाहिए, तो इसका प्रेशर P1 होना चाहिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस ट्यूब में जो लिक्विड का लेवल होगा ये उतना ही होना चाहिए जितना कि इस वाले वाटर का लेवल है, क्योंकि यहां का प्रेशर अगर P1 है तो यहां का भी प्रेशर P1 है, है ना? तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर जो है वो सेम होना चाहिए, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का प्रेशर का डिफरेंस और इस पॉइंट से इस पॉइंट का प्रेशर का डिफरेंस सेम होना चाहिए, इसीलिए ये वाली हाइट और ये वाली हाइट भी सेम होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेट्स से, तो अगर मैं ये वाली हाइट की बात करूं, अगर मैं ट्यूब एन की बात करूं, तो ट्यूब एन में, है ना, जो लेवल हो गया, है ना, ट्यूब एन में जो लेवल हो गया, इसमें कहां से बोला है, इन द मैनोमीटर द अबव द डैटम, है ना, तो यहां से पूछा है, तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो 60 सेंटीमीटर हाइट तक जो होगा वो
लिक्विड रहेगा। अब हम बात करते हैं ट्यूब एम की, बात करते हैं तो ट्यूब एम में जो प्रेशर है यहां पर तो एयर है, यहां पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर का होगा। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा, अगर आप यहां पर कंपेयर करो इस जगह पर अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है तो इसमें जो लिक्विड का लेवल है वो यहां तक होना चाहिए, क्योंकि अगेन मैं कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस और इन दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो ये वाली जो हाइट होगी, ये हाइट कितनी होनी चाहिए, ये 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये वाली हाइट 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही है ना, क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं और अगली क्लास में जो है हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। ठीक है, ठीक है डियर, गुड बाय।